नमस्कार, मैं भानु प्रताप जोशी आज आपका मोक्ष संगीत यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का हमारा तीसरा जो हारमोनियम पर जो लेसन है यानी पाठ है, उसके साथ ही मैं आपको ये भी बताने जाऊँगा कि आपको अच्छा गाना गाने के लिए क्या अभ्यास करना चाहिए। तो सबसे ज़रूरी है कि आप भारतीय शास्त्रीय संगीत के अनुकूल ही अभ्यास करें। हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत में रागों की उत्पत्ति के लिए कुछ 10 प्रमुख थाट माने गए हैं, जिन 10 थाटों के बारे में मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। हारमोनियम पर हम जब थाट बजाते हैं तो हमें स्वर का भी सेंस होने लगता है धीरे धीरे, और जब हम गाते हैं तो हमारी आवाज़ भी सधने लगती है यानी तैयार होने लगती है, और हमें अपने आप स्वरों की पहचान होने लगती है। तो सबसे पहले थाट जो है, उस थाट का नाम है बिलावल थाट। बिलावल थाट जो होता है, ये सारे शुद्ध स्वरों का एक समूह है। यानी इसमें स्वरों का जो क्रम है वो ये है कि सा रे शुद्ध, ग शुद्ध, म जो कि शुद्ध है, प ध शुद्ध और नी शुद्ध, तो और उसके बाद में सा। सब सप्तक में हमेशा सा से लेकर नी तक ही स्वर लिए जाते हैं, जबकि थाट में मध्य सप्तक के सा से लेकर तार सप्तक के सा तक स्वर लिए जाते हैं। यानी लेकिन थाट का यानी ठाट का सिर्फ आरोही क्रम ही होता है, अवरोह में उसे नहीं बजाते हैं। उसको अवरोह में इसलिए नहीं बजाते हैं क्योंकि थाट की रचना में सिर्फ आरोह ही माना जाता है, लेकिन जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हम अवरोही क्रम में भी बजाते हैं। सा रे ग म प ध नी सा नी ध प म ग रे सा। आप मेरी अंगुलियों की तरफ भी ध्यान दें कि मैं सारे गा में प ध नी सा में सारे शुद्ध स्वरों का प्रयोग कर कर बिलावल थाट बजा रहा हूँ, और साथ ही मैं गा भी रहा हूँ। आप अगर गाना ना चाहें तो आप सिर्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं, और अगर गाएं तो बहुत अच्छी बात है। सा रे ग म प ध नी सा नी ध प म ग रे सा। इस प्रकार आप नियमित अभ्यास करें। तो ये पहला थाट होता है बिलावल थाट, यानी बिलावल थाट। इसके बाद में दूसरा और प्रमुख थाट है, वो है यमन यानी कि कल्याण थाट। क्योंकि कल्याण थाट का एक बहुत ही प्रसिद्ध राग है राग यमन, इस वजह से इसको कुछ लोग यमन थाट भी बोलते हैं, और लेकिन ज़्यादा प्रचलन में कल्याण थाट ही कहा जाता है इसको। कल्याण थाट के स्वरों में एक स्वर जो है उसका परिवर्तन है, बाकी सारे के सारे शुद्ध स्वर हैं। म जो है वो शुद्ध की बजाय हम तीव्र प्रयोग करेंगे। आप मेरी अंगुलियों की तरफ भी देखें। सा रे ग म प ध नी सा, तो म हमने शुद्ध की बजाय म तीव्र का प्रयोग किया है, बाकी सारे स्वर हमने शुद्ध ही प्रयोग किए हैं। सा रे ग म प ध नी सा नी ध प म ग रे सा। सा रे ग म प ध नी सा। इस राग के बहुत सारे गाने आपको हमारे बॉलीवुड यानी कि चलचित्र संगीत में मिलेंगे। इस बॉलीवुड संगीत में आपको ये सारे गाने, ज़्यादातर गाने आपको यमन थाट में मिलेंगे और यमन राग में मिलेंगे। उसका उनमें से कुछ की झलकियां हैं। चंदन सबदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना, मुझे दोष न देना जग वालों, हो जाऊं अगर मैं दीवाना। चंदन सबदन चंचल चितवन, और भी बहुत सारे गाने हैं। भूली हुई यादें, और भी बहुत सारे गाने हैं। आपको अगर आप YouTube करेंगे तो आपको और भी गाने मिल जाएंगे यमन
सॉन्ग्स बेस्ड ऑन यमन रागा। आज के मेरे लेसन में इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको मेरा लेसन्स बड़ा पसंद आए होंगे, और मेरे प्रीवियस लेसन्स की लिंक भी मैंने इस वीडियो में आपको दे रखी है। आप अगर इसको पसंद करते हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक यू।